अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसे कितना अच्छा होता ना अगर रानी माँ हमारी शादी हमारे रिश्ते सब कुछ स्वीकार कर लेती। अनमोल परेशान मत हो, आज भले ही उन्होंने हमें स्वीकार नहीं किया, थोड़ा समय लगेगा उन्हें, लेकिन जब उन्हें तुम्हारी अच्छाइयों के बारे में पता चलेगा ना, तब देखना कैसे जान से भी ज्यादा चाहेंगी तुम्हें वो। बस तब तक के लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो और परेशान मत हो, ठीक है? ये अचानक से बिजली कैसे कड़कने लगी? कोई वक्त ही तो नहीं आने वाली। हे माता रानी, हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बहुरिया, क्यों आई हो? मेरे चले पर नमक छिड़कने? नहीं नहीं बहुरिया, ये जो कुछ भी तुमरे और हमरे साथ हुआ है ना, वो तुमरे और हमरी वजह से नहीं हुआ। वो सब हुआ है तितली की वजह से। तितली को लगता है कि उसने बाजी मार ली, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हुक्म का एक इक्का अब तक हमारे पास है। मृदुला, अरे केवल हम ही तो मान रहे तुम्हें बहुरिया। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम अभी भी बहुत कुछ कर सकती हो। हाँ हाँ, हम जानते हैं कि तुम्हारे सारे मोहरे खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक मोहरा अभी भी बाकी है, और वो मोहरा है रानी माँ। मृदुला, हमने तुम्हारी बेल करा दी है, बाकी की लड़ाई तुम्हारे हाथ में है, और उम्मीद है इस बार तुम हमें निराश नहीं करोगी। माता रानी, हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम रानी माँ का विश्वास जीत सके और उनके दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह बना सके। रानी माँ, मृदुला, तुम वापस आ गई? इस उम्मीद से रानी माँ कि आप सब ठीक कर देंगी। एक आप ही तो है जो मुझे और रजत को एक कर सकती है, हमारे रिश्ते को बचा सकती है। मेरी मदद कीजिए, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। रानी माँ को लेकर पर सॉरी रानी माँ को लेकर परेशान हो, देखो अनमोल, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी खूबियां उन्हें दिखाई ना दे। हाँ ये सब छोड़ो, तुम ना ज्यादा देर मुझसे दूर मत रहा करो। क्यों? क्योंकि तुम दो मिनट के लिए भी मुझसे दूर रहती हो ना तो मुझे बेचैनी होने लगती है, मैं तुम्हें मिस करने लगता हूँ। अच्छा? हाँ सच्ची? मुझे हम भी आपको एक बात बताएं। हाँ हाँ हम ना आपको सामने सामने मिस करने लगते हैं। सामने सामने मिस करने लगते हैं मतलब ये कैसे करते हैं? अरे कैसे करते हैं मतलब होता है ऐसा, आपको नहीं पता? नहीं। ये हेलो, अब समझ में। वो क्या है ना रजत जी, ऐसा सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जिसके अंदर प्यार के साथ साथ तूफान भी भरा हो, जैसे कि हम। अच्छा अच्छा बहुत हो गई मजाक मस्ती, अब मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? वो तो जाकर ही पता चलेगा। लेकिन चलो ना तुम। अरे हमने तो सुना है कि तुमने बहुत गलत काम किए हैं। उसी की सजा मिल रही है तुम्हें। तुमने उस लड़की अनमोल की जान लेने की कोशिश की। तो और मैं क्या करती? उस लड़की ने मेरे पति को माया जाल में ऐसा फंसाया कि उससे मेरा परिवार, मेरी बच्ची सब छिन गया। तो और मैं क्या करती? क्या करती रानी माँ? शादी का जोड़ा? अनमोल, शादी को लेकर तुम्हारा एक्साइटमेंट, तुम्हारे सपने सब जानता हूं मैं। आज मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा ताकि मैं रानी माँ और पूरे समाज के सामने तुम्हें सम्मान दिला सकूं, एक पत्नी होने का अधिकार दे सकूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। हम हमारे सपनों को पूरा करेंगे लेकिन अपने तरीके से, जैसे कि तुम्हारा इस शादी का जोड़ा। अब तुम जल्दी से इस शादी के जोड़े को पहनकर अपने तूफानी दुल्हन बनने के सपने को पूरा कर लो। जाओ। काफी अच्छी पसंद है आपकी। वो तो है। ठीक है आप यहीं रुकिए, हम अभी आपके तूफानी दुल्हन बनकर आते हैं। क्यों ना आज अपनी दुल्हन को मैं खुद सजाऊं? हमारे बेटे को जहां गई हुई है उसकी रक्षा करना बात है। गोपिका आप चिंता मत कीजिए, आपके बच्चे बिल्कुल ठीक है। आप उसे हमारे घर से लेके आए। तू ही इन्हें करिश्मा करिश्मा कहता है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। रानी माँ आप मनाएंगी ना रजत को? बताएंगी ना उसे कि उसकी बीवी मैं हूँ, अनमोल नहीं? रानी माँ आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो कभी आपके साथ भी हुआ था, और तब आपने क्या किया था याद है ना आपको?
बिगड़े वा मिलना है सब कुछ ना कुछ पाने को बाकी है तेरा मिलना है सब कुछ ना कुछ पाने को बाकी है तुझसे देखिए आपकी तूफानी दुल्हन तैयार हो चुकी है अच्छी लग रही है ना के लिए तू काफी है जीने के लिए तो काफी है अभी नहीं तेरा मिलना है सब कुछ ना कुछ पाने को बाकी है अभी मेरी तूफानी दुल्हन को चार चांद लगाना बाकी है तेरा मिलना ही सब कुछ न कुछ पाने को बाकी है तुझसे ही सांस आती है जीने के लिए तू काफी है जीने के लिए तू काफी है Bye.
रानी माँ, आप साथ देंगी ना मेरा? आप चुप क्यों खड़ी हैं? ठीक है, अगर आप मेरा साथ नहीं देंगी ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी, खत्म कर लूंगी मैं खुद को। रानी माँ कुछ तो बोलिए। ठीक है, इतनी रात को किसका फोन हो सकता है? रानी माँ? हेलो, व्हाट? रानी माँ, रानी माँ क्या हुआ? रानी माँ ठीक तो है ना? ये मृदुला को क्या हुआ है? यहां कैसे है वो? आज एक पत्नी दर्द में है और जिसके बजाय ये लड़की है। इसकी वजह से दर्द में नहीं है वो, वो अपने कर्मों की वजह से इस हालत में है। उसने इतने पाप किए हैं ना कि यही उसका फल है। रजत, जब किसी औरत पर उसके पति या उसके बच्चे की बात आती है ना तो वो कोई भी पाप करने से नहीं चूकती। इस लड़की के गले में मृदुला के हिस्से का मंगलसूत्र है, इसकी मांग में उसके हिस्से का सिंदूर है। इस लड़की ने उसकी पसी पसाई गृहस्थी छीन ली, तो अपनी चीज वापस लेने में कैसा पाप? माफ कीजिएगा रानी माँ, लेकिन हमने ना किसी का सुहाग छीना है और ना ही किसी की गृहस्थी। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये सब हमारा है। मृदुला, उसने तो ना ही कभी अपने सिंदूर का सम्मान किया, ना ही कभी अपने मंगलसूत्र का। और रानी माँ, वो तो कभी दीवों को संभाल भी नहीं पाई। और हाँ, जो औरत पति के पागलपन में इतनी खो गई कि उसने किसी और की जान दांव पर लगा दी, वो औरत कभी भी सुहाग जैसे पवित्र रिश्ते को समझने के लायक ही नहीं है। अच्छा, तो तुम इस सब के लायक हो? अरे दो दिन हुए हैं तुम्हें आए हुए और मृदुला बरसों से इस घर में रह रही है। दो दिन का प्यार बरसों की शादी पर सवाल उठाएगा? और एक बात, तुम्हें यह हक किसने दिया? किसने दिया? मैंने दिया है इसे यह हक। या फिर रानी मां यूं कहूं कि खुद कमाया है।
वो अपने आप को माँ कहती है ना, एक बार जाकर उससे पूछिएगा कि जब दीवू बोरवेल में गिर गई थी तब उसने क्या किया था, क्यों बस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, कुछ नहीं किया। भाभी कहती है ना रानी माँ, ये रिश्तों को निभाना इतना आसान नहीं होता, उन्हें सींचना पड़ता है, उनके लिए दिल दिल करके मरना पड़ता है, हर वक्त समझना पड़ता है, अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है और त्याग करना पड़ता है। लेकिन रतुला, उसने आज तक कोई भी त्याग नहीं किया, अरे यहां तक कि अपनी बच्ची तक की परवाह नहीं की कभी उसने, और वहीं पर यह लड़की, आप जानती हैं उस वक्त इसे घर में कोई अधिकार नहीं मिला था, इसके पास न जाने कितने कारण थे हम लोगों का साथ ना देने के, लेकिन फिर भी उन सब बातों को पीछे छोड़कर इस लड़की ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए बोरवेल में कूद गई, किस लिए, दीवू को बचाने के लिए। रिश्ते की परिभाषा समझाई है इसने मुझे, और रानी मां अगर आज आप दीवू को देख पा रही हैं, वो आज जिंदा है, तो केवल और केवल अनमोल की वजह से।